नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरी, 10 लोगों की हुई मौत, 13 लोग हुए घायल, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर किए G7 समिट के मूवमेंट। मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी ली, कहा हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम। भारत कनाडा के बीच होगा महामुकाबला, आज रात 8 बजे फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। छत्तीसगढ़ में फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराया, अब उजमाड़ में 1 जवान हुआ शहीद, 2 लोग हुए घायल। राजस्थान के 17 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, जयपुर कोटा सहित कई जिलों में जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली में जल संकट के बीच कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, करेगी मटका फोड़ प्रदर्शन। ओडवाड़ा में ओरड़ अतिक्रमण पर 8 जुलाई को सुनवाई, लोग बोले जिन्होंने बसाया उन पर भी हो एक्शन। नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, एनटीए ने पहले 1563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की थी घोषणा। तो ये थी आज की सुर्खियां, बताते हैं खबरों को विस्तार से। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में गिर गए। इस हादसे में 10 पर्यटकों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैवलर में कुल 23 पर्यटक सवार थे, सभी बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को नदी से बाहर निकाला गया। 7 गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि ट्रैवलर हरियाणा नंबर की थी, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले पर्यटकों ने इसकी बुकिंग कराई। शुक्रवार शाम को ये दिल्ली से रवाना हुई थी, रात भर सफर करके यात्री यहां तक पहुंचे थे। बताया ये भी जा रहा है कि हादसा जहां हुआ वह ऑल वेदर हाईवे है, ट्रैवलर बाउंड्री तोड़ते हुए करीब 200 फीट नीचे पहाड़ में पलटती हुई नदी में जा गिरी। घटनास्थल के नजदीक ही रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, फिलहाल प्रशासन का फोकस सर्चिंग और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का। दूसरी खबर की बात करें तो आज शाम 8 बजे फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में भारत और कनाडा के बीच T20 मैच खेला जाना है, लेकिन आज इस मुकाबले का होना मुश्किल लग रहा है और मैच रद्द होने के चांसेस है। इसके पीछे का कारण है फ्लोरिडा शहर का मौसम। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में पिछले दिनों से बारिश हो रही है और कई हिस्सों पर पानी भी भर गया है। मौसम विभाग के अनुसार यहां सुबह मैच के दौरान 85% बारिश आने की संभावना है। पूरे मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे और तेज तूफान की भी 51% आशंका है। ऐसे में आज का मुकाबला होने पर संशय है। इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक बारिश के कारण 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इनमें से 2 मैच फ्लोरिडा में रद्द हुए हैं, 1 मुकाबला ब्रिज टाउन में भी रद्द हुआ है। लेकिन बता दें कि भारत कनाडा मैच रद्द होने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टीम पहले से ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अगली खबर दिल्ली में चल रहे जल संकट से जुड़ी हुई है। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है, कई इलाकों में दिल्ली वासियों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। इसे देखते हुए आज दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में आतिशी दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की, इसमें दिल्ली जल बोर्ड के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। आतिशी ने बैठक में कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी बरकरार है, दिल्ली में पानी की सप्लाई में लगातार कमी बनी हुई है। वजीराबाद तालाब में पानी खत्म हो चुका है, मुनक नगर में भी पानी की कमी चल रही है। पानी की कमी के चलते वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। दिल्ली में करीब 70 MGD पानी का उत्पादन कम हो रहा है। बवाना नागलोई में बोरवेल के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। यमुना अपर बोर्ड की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है। आतिशी ने यह भी बताया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो संभव होगा वो मदद करेंगे। हमने हरियाणा से कहा कि थोड़ा पानी अगर वो दे सकते तो बेहतर होगा। कल दिल्ली की सरकार के अधिकारी चंडीगढ़ जाकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के बाद 50% आरक्षण लागू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया गया है।
मुख्यमंत्री के निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वो आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी। इतना ही नहीं, सरकार ने मनरेगा को राहत देते हुए भी ये तय किया है कि यदि श्रमिक निर्धारित काम 5 घंटे में पूरा करता है तो उसे छुट्टी दे दी जाएगी। सरकार ने गर्मी को देखते हुए निर्णय किया है। आयुक्त टीना डाबी ने संबंध में समस्त कलेक्टर और कार्यक्रम समन्वयों को इस आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार काम पूरा होने के बाद श्रमिक को कार्यस्थल पर नहीं रोका जा सकेगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर राजस्थान में जल संसाधन से जुड़ी हुई है। प्रदेश में जल संसाधन विभाग ने सभी बड़े बांधों में मॉनसून आने से पहले सभी तैयारियां कर ली है। जल संसाधन जिला मुख्यालय पर फ्लड सेल की आज से शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं बीसलपुर में भी फ्लड सेल की शुरुआत हो गई है। फ्लड सेल ने बड़े बांधों में पेयजल स्तर जानकारी देना शुरू कर दिया। बीसलपुर का वर्तमान जल स्तर 309.94 RL मीटर है और बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। आपको बता दें कि राजस्थान में फ्लड सेल स्थापित हो गए हैं, जिससे संभावित अतिवृष्टि और बाढ़ नियंत्रण पर नजर रहेगी। जिला स्तर पर स्थापित फ्लड सेल ने काम शुरू कर दिया। 30 सितंबर तक 24 घंटे फ्लड सेल काम करेगा। बारिश के आंकड़े, नदियों का बहाव, बांधों के जल स्तर की सूचना, बाढ़ से संभावित खतरे, बारिश और बांध जल स्तर का दैनिक आंकड़ा इसके द्वारा रखा जाएगा। अगली खबर राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस बार ये बजट सत्र बेहद हंगामेदार हो सकता है। इस बार कांग्रेस बिजली, पानी और कानून व्यवस्था सहित कांग्रेस सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने को लेकर सदन में सरकार को घेरेगी। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। राज्यपाल ने सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। बजट सत्र करीब 1 माह तक चलने की संभावना है। इस सत्र में भजनलाल सरकार अपना पहला फुल बजट पेश करेगी। उधर कांग्रेस और विपक्ष बजट सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में जुट गई है। इस बार विपक्ष बिजली और पानी, कानून व्यवस्था, नए जिलों और संभागों की समीक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, फ्री बिजली योजना, नए खोले गए सरकारी कॉलेजों की समीक्षा जैसे मामलों पर सरकार को घेर सकते हैं। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव मंत्री बनने के बाद आज पहली बार अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए लोगों की समस्याओं को सुन जलदाय विभाग अधिकारियों से मीटिंग कर पानी वितरण का फीडबैक लिया। उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अलवर ने मुझे सांसद चुनकर गौरव प्रदान किया है और जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करूंगा। साथ ही कहा कि सरिस्का को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योजना बनाई जा रही है। सरिस्का का इको सेंसिटिव जोन जल्द फाइनल होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स टुडे। नमस्कार।